नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में जैसे कि मैंने वीकली एनालिसिस करते वक्त बताया था कि ये वीक जो है साइडवेज रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा है और साइडवेज मोमेंटम देगा, और उसके बाद हमको पता चलने वाला है कि क्या होने वाला है। तो जैसे ये हफ्ते में अभी क्या हुआ है कि आईसीआईसीआई का रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ, तो आगे क्या होगा, नीचे के साइड में सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकलेगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी ये हम लोग कैसे करने का, ये मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक मिनट, ये जो लो है, ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो उसके बीच का जो हाई है उसका अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय मिलने वाला नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया था। और वहां पे एग्जैक्ट आप देखेंगे कि वहां पे जाके ये मूवमेंट रुक चुकी है। तो अभी यहां से सेल ऑफ आएगा कि यहां से ब्रेकआउट आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा रिजल्ट आया है, समझो ऊपर की तरफ निकल गई। अभी ये जो लेवल है, ये लेवल अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेवल आपका 45,500-46,000 का है, समझो इसका हाई अगर हम लोग पकड़ते हैं तो इसका हाई जो है वो 42,603 का है। तो वो जो है, हाँ, तो वो जो है 42,600 का जो जोन है उसके ऊपर जाके अगर ये बैंक निफ्टी निकल जाती है और यहाँ पे सेकेंड कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो ही हम लोग उसको बाय कंसिडर कर सकते हैं। अगर कल का दिन एक अच्छा क्लोजिंग आया ये एंगल के ऊपर और सेकेंड कैंडल जाके रुक गया, मतलब परसों का दिन, मंगलवार का दिन हमारे लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो दिन का हाई और लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो अगर जैसे ही ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमको डायरेक्शन पता चलेगा। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि ये मंगलवार का दिन जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। अभी जैसे कि हम लोग ये लो से मैं गैनफैन डाल के बताता हूँ कि एग्जैक्ट पोजिशन क्या है। तो ये लो से, अगर इम्पोर्टेंट लो से हम लोग गैन पॉइंट डालते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो है 1/4 में जाके अटक रहा है। तो सेम चीज़ जैसे कि ये 1/4 के ऊपर जाके जब सस्टेन होगा तब जाके वो बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो दोनों तरफ से हमको यही बता रहा है कि बाय सिग्नल जनरेट होने के लिए हमको 2-3 की, मतलब मंगलवार की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी एक मिनट, अब मैं ऊपर से गैन पॉइंट डालता हूँ तो हाई से अगर हम लोग गैन पॉइंट देख रहे हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको दिख रहा है सेम चीज़ है कि यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 2/1 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देके आ गया तो फिर ये जो लो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा 42,000 का, और उस जब तक 42,000 नहीं तोड़ता है तब तक ये अच्छा रहेगा। तो ऑल इन ऑल मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल है उसका डाउनवर्ड एंगल, मतलब 41,500 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको नीचे की तरफ सेलिंग मिलने वाली नहीं है, और 42,600-42,700 जब तक ऊपर क्रॉस नहीं होता तब तक ऊपर की तरफ बाइंग मिलने वाली नहीं है। तो कल का क्लोजिंग हम लोग देखेंगे, मंगलवार का क्लोजिंग हम लोग देखेंगे, कल की मूवमेंट जो भी रहेगी, कल का क्लोजिंग अगर एंगल के ऊपर आया तो अच्छा रहेगा, और फिर हमको परसों के दिन में हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी हो गई, मैं निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी में एक चीज़ सेम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था निफ्टी में ये एंगल इसका ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है तो इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए, लेकिन निफ्टी में अपवर्ड एंगल का जो प्राइस है वो 18,100 के आसपास आ रहा है और वो थोड़ा लंबा है, लेकिन निफ्टी
अभी भी क्या हुआ है कि जो बाइंग आई हुई है उसने मोमेंटम टूटा नहीं है उसका। ये भले ये कैंडल के लोअर डाउनवर्ड एंगल के आसपास आके गई, लेकिन वो पूरी तरह आसपास मूवमेंट आई नहीं। 550 के आसपास या ऐसा ही कुछ लो मारा था, 1 मिनट, 553 का लो मारा था। तो मेरे हिसाब से वो 17,490 के आसपास कुछ पॉइंट आ रहा था, तो उसके आसपास वो आके गया। लेकिन अभी भी जैसे कि ये, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये 1/4 टूटता नहीं है, या ये केस में जैसे कि ये एंगल में 1/5 1/8 के बाहर गया नहीं है, तो 1/3 का जो पॉइंट रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये 1/3 जब तक टूटता नहीं, तब तक इसमें सेलिंग की मूवमेंट आने वाली नहीं है। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ आ गई तो इसका अपवर्ड एंगल हमको इम्पोर्टेंट रहेगा। ये मतलब अभी आपको यही पकड़ना है, लेकिन फिर भी ये भी पकड़ सकते हैं। तो इसका अपवर्ड एंगल का प्राइस भी एक अंदाज से 18,000 के आसपास रहेगा। तो ऑल इन ऑल एक ही बात है, जब तक यहाँ पे आपको 17,500 टूटता नहीं है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर की तरफ 18,100 का रेंज आपको रहेगा। मतलब 600 पॉइंट, 500 600 पॉइंट में वॉलेटिलिटी रहेगी। आगे चल के वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, बाई की तरफ भी या तो सेल की तरफ, जो भी है वोलेटिलिटी बनने वाली है। लेकिन मैं अभी भी बाइंग में कॉशस रहने की एडवाइस दूंगा, क्योंकि जब तक बाय सिग्नल नहीं आएगा तब तक आप बाय अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि सेकेंड कैंडल इज द दी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल, मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो कैम ये हमको बैंक निफ्टी में मिलने वाला है। अगर बाय यहाँ पे आ गया तो एक अच्छी बात है, हमको ऑल टाइम हाई टूटने का भी चांसेस रह सकता है। फिर हमको ऊपर में 42,000 43,200 300 की रेंज हमको आराम से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने वीकली का व्यू बता दिया। एक जाते जाते मैं आपको इंट्राडे का व्यू भी बता देता हूँ, इंट्राडे के कुछ लेवल्स बता देता हूँ। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में आपको 42,230 के ऊपर बाय दिखेगा। ये 42,230 है वो इसके ऊपर की लेवल है। हाँ, ये एंगल के ऊपर अगर आ जाएगा तो हमको 42,230 के ऊपर बाय आ जाएगा। उसके ऊपर 42,580 42,800 रहेगा। जो भी ये हाई से रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ अपवर्ड एंगल रहेंगे उनका रेजिस्टेंस मिलता जाएगा। नीचे की तरफ 820 का एक इंट्राडे सेल सिग्नल जनरेट होगा। बाद में 41,620 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो एक पॉइंट रहेगा। जैसे कि ये, और ये जो मैंने बताया कि ये उस दिन का जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल जो है वो 41,400 के आसपास जा रहा है। तो अंदाज से 41, ये छोटे छोटे पॉइंट है, 41,500 के नीचे जाएगा तो ही प्रॉब्लम दिख रहा है। ऊपर की तरफ हमको ये रेजिस्टेंस के पॉइंट मिलेंगे। निफ्टी में मैं आपको बता रहा हूँ कि 705 के ऊपर अपने को बाय मिलेगा। जैसे कि ये जो है, ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके ऊपर का जो पॉइंट है वो 770-72 का रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमको एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, वो 710 705 के ऊपर बाय जनरेट होगा। उस केस में 17,640 का लो लगाना है। 17,770 17,805 ये दो ऊपर की तरफ ये रहेंगे। नीचे की तरफ 515 का सेल रहेगा, 430 में मीडियम सेल आ जाएगा, और 17,300 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये जो है उस दिन का जो लो का डाउनवर्ड एंगल का पॉइंट है वो करीबन 17,400 के आसपास आ रहा है। तो वो जब तक टूटता नहीं तब तक हमको कोई सेल सिग्नल मिलने वाला नहीं है। आप 17,400 राउंड फिगर पकड़ के चल सकते हैं। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नए व्यूअर है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप पीछे के वीडियो रेफरेंस ले सकते हो कि डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल क्या है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।